OnePlus 11। इस फोन की सारी स्पेसिफिकेशंस जो है वो निकल के बाहर आ गई है, और स्पेसिफिकेशंस पढ़ने के बाद में मैं एक चीज़ जो है वो श्योरली कह सकता हूँ कि अब की बार OnePlus 11 की जो प्राइस है इंडिया में वो 70,000-80,000 रुपीज़ के आसपास जाने वाली है। आप बोल रहे हो कि मैं पागल हो गया हूँ, बट ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, एंड में बताऊँगा आपको कि इस फ़ोन की लॉन्च डेट इंडिया में क्या हो सकती है। बात करेंगे इस फ़ोन की प्राइसिंग के बारे में भी, बट फिलहाल बात कर लेते हैं इस फ़ोन की बॉडी के बारे में। सो इस फ़ोन की जो बॉडी है वो सेरेमिक बॉडी होने वाली इस बार, ये कोई नई चीज़ निकल के आई है। यानी कि जैसे हम एप्पल आईफोन्स में जो उसका बैक पैनल सेरेमिक देखते हैं, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे आपको होने वाला है। गोरिल्ला ग्लास का वर्जन, मतलब गोरिल्ला ग्लास होगा ही नहीं, मुझे ये बोलना चाहिए, बैक जो ग्लास है वो सेरेमिक का होगा, जो फ्रंट है वो भी आपको सेरेमिक मिलने वाला है, जैसे हमें आईफोन में देखने के लिए मिलता है। बात कर लीजिए इसी फ़ोन के चेसी के बारे में, तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें मेटल चेसी जो है इस अब की बार में देखने मिलने वाली है, क्योंकि जो फ़ोन है अपने आप में बहुत ही प्रीमियम फ़ोन है। आगे बढ़ के बात कर लीजिए इस फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में, सो यहाँ पे आपको LTPO2 डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि एक AMOLED पैनल होने वाला है। 10-bit कलर का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, बट 1 billion कलर्स का सपोर्ट डेफिनेटली आपको यहाँ मिलने वाला है। ये जो पैनल है ये कर्व्ड पैनल होने वाला है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, HDR10+ सर्टिफाइड भी होगा, और इस फ़ोन की पीक ब्राइटनेस 1300 nits होने वाली है। जो स्क्रीन का साइज़ है वो 6.7 इंचेस होगा। अब कई रिपोर्ट्स मैंने ऐसे देखी कि वहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको जब यहाँ पे सेरेमिक बॉडी मिल रही है तो आगे की तरफ में भी आपको सेरेमिक ग्लास देंगे। आगे बढ़ के बात कर लीजिए इस फ़ोन के प्लेटफॉर्म के बारे में, सो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, मतलब 2 या 3 दिन पहले लॉन्च हुआ है, और अब ये फ़ोन ये कंफर्म हो गया कि OnePlus 11 में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देखने के लिए मिलेगा। अभी जो प्रोसेसर है ये 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ ही साथ अब की बार जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा, सो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, और साथ ही साथ ऑक्सीजन OS 13 मिलेगा। GPU आपको यहाँ पे मिलेगा एड्रीनो का 740, अपने आप बहुत ही बढ़िया GPU है। बात कर लीजिए इस फ़ोन के मेमोरी के बारे में, सो यहाँ पे आपको UFS 4.0 का सपोर्ट मिलने वाला है। Isn't it great? यहाँ पे आपको UFS 4.0 का सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाला है। मुझे याद नहीं कि मैंने आज से पहले शायद सुना होगी कोई फ़ोन UFS 4.0 स्टोरेज के साथ में आ रहा हो, सो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ के बात कर लीजिए इस फ़ोन के रैम के बारे में, सो यहाँ पे आपको भर के रैम जो है OnePlus देने वाला है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 16 GB तक की रैम देखने के लिए मिलने वाली है, ये भी चीज़ कन्फर्म हो गई है। बात कर लीजिए इस फ़ोन के कैमरे के बारे में, सो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। प्राइमरी कैमरा 50 MP का होगा IMX890, सेकेंडरी लेंस होगा 48 MP का अल्ट्रा वाइड IMX581, तीसरा लेंस होगा 32 MP का टेलीफोटो लेंस, इसका नाम है IMX709। सो सारी जो सेंसर्स हैं ये इस बार सोनी के यूज़ होने वाले हैं। फ्रंट में अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 16 MP की सिंगल सेल्फी मिलेगी, बट आप डेफिनेटली इस फ़ोन से जो है 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 24 FPS, 4K रिकॉर्ड डेफिनेटली कर सकते हैं 30, 60 and 120 FPS। यहाँ पे आपको OIS तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में EIS का सपोर्ट भी मिलेगा, और Hasselblad का कलर कैलिब्रेशन भी मिलेगा। बात कर लीजिए इस फ़ोन के स्पीकर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स तो मिलेंगी, शायद से हाईरेस ऑडियो का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाए। बात कर लीजिए इस फ़ोन के और कुछ खास फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको ऑप्टिकल वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और सारी सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। 5000 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए 100W का आपको चार्जर बॉक्स में ही मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो फ़ोन है 50W वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। अब बात कर लीजिए इस फ़ोन के लॉन्चिंग के बारे में, सो ये जो फ़ोन है ये प्रॉबेबली नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास में आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। बाय द वे, अगर मैंने मिस कर दिया हो कि ये फ़ोन जो है 2K पैनल पे आने वाला है, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस फ़ोन की जो प्राइसिंग है वो 70-80,000 रुपीज़ के आसपास होने वाली है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको देखने के बाद OnePlus 11 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।